जी हाँ, हमारे परिवहन मंत्री दिल्ली सरकार के आपके बीच में आ चुके हैं, जोरदार तालियों स्वागत करेंगे। सामने जो मेन रोड है वहां से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। हमारे बीच में जी हाँ आ चुके हैं मनीष सिसोदिया जी, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। जी हाँ, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट जी हाँ मनीष सिसोदिया जी आप सभी के बीच में है। सर, आपका तहे दिल से स्वागत है। दिल्ली के अंदर प्रदूषण के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रही है दिल्ली सरकार, उसका एक नमूना है। आप सब जानते हो कि आगे हमारा जो कार्यक्रम चलता है, अभी साइकिल रैली निकलेगी और ये साइकिल रैली सरकारी मोड़ जाएगी और वहां से फिर लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन होते हुए फिर यहां पर आएगी। माननीय गोपाल राय जी और मनीष सिसोदिया जी को जी क्या बात है आवाज। डाउनलोड करके साथियों एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे दिल्ली की जनता के लिए। साथियों उसमें लिखा हुआ है कि ऑड नंबर वाले गाड़ी इस दिन हम गाड़ी नहीं चलाएंगे और इवन नंबर वाले गाड़ी। सबसे पहले मैं अपने परिवहन मंत्री दिल्ली सरकार के श्री गोपाल राय जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। बहुत वर्षों बाद दिल्ली की आत्मा को उन्होंने जगाया है और दिल्ली के लोगों को ये एहसास करवाया है कि हम अपने बच्चों के जीवन की सुरक्षा के लिए अब कार को छोड़ें। मनीष जी स्वयं साइकिल चलाकर, मैं उतनी लंबी साइकिल नहीं स्वयं चला सका, वो पूरा राउंड लेकर के आए हैं। बहुत सालों बाद आज साइकिल उठाई थी, चलाई। इस प्रोग्राम को अब सरकार का प्रोग्राम मत मानिए, इसको हमको अपना स्वयं का प्रोग्राम मानना पड़ेगा। हर दिल्लीवासी को इसमें सहयोग देना पड़ेगा, तभी ये आम जनता का प्रोग्राम बन सकेगा। आइए, ये तीसरा हमारा कार फ्री डे, बहुत बड़ी संख्या में आप सब लोग आए, बहुत सुंदर ऑर्गेनाइज हुआ, इसको आगे निरंतर हम बढ़ाएंगे और 1 जनवरी से 15 जनवरी तक का दिल्ली सरकार का जो प्रोग्राम है ऑड इवन, जिसकी अभी घोषणा गोपाल राय जी ने की थी, उसमें हम पूरा सहयोग देंगे, पूरा योगदान देंगे। मैंने आज बहुत दिनों बाद प्रयास किया कि मैं मेट्रो से चलूं और मैं सिविल लाइन से राजीव चौक से होता हुआ मेट्रो से आया और मेट्रो से ही जाएंगे, इसका भी एक आनंद लिया आज। बहुत दिनों में आनंद लिया, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार दिल्ली सरकार का, बहुत बहुत धन्यवाद। अधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे DTC के भी और यहाँ दिल्ली सरकार के भी अधिकारी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। फिर आप सबको अपना हाथ ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि अब धूप की गर्मी काफी हो चुकी है, हाथ जेब से बाहर कर लीजिए। NCC के भी साथी सारे लोग हाथ ऊपर करेंगे एक बार और हम लोग जोर से बोलेंगे एक बार, भारत माता की। कई लोग अभी बोलने में थोड़ा शर्मा रहे, भारत माता की। और एक नारा और लगाना है, नो पोल्यूशन नो कंजेशन मैं बोलूंगा और आपको बोलना है कार फ्री डे ओनली सोल्यूशन। नो पोल्यूशन नो कंजेशन, नो पोल्यूशन नो कंजेशन। साथियों, आज दिल्ली के अंदर बढ़ते प्रदूषण से लड़ने के लिए
दिल्ली सरकार ने पहला कार फ्री डे इंडिया गेट लाल किले से शुरू करके इंडिया गेट के बीच में किया था। उस समय दशहरे की छुट्टी थी। दूसरा कार फ्री डे हम लोगों ने द्वारका में किया 22 तारीख को। दूसरे 22 तारीख को संडे का दिन था इत्तेफाक से। कल भी मैं जब पत्रकारों से बात कर रहा था, सारे मित्र कह रहे थे कि लक्ष्मी नगर में विकास मार्ग पर और वर्किंग डे में इतनी ठंड में कार फ्री डे कैसे सफल होगा, लेकिन दिल्ली वालों ने बताया है कि संडे हो या मंडे, प्रदूषण से लड़ने के लिए, इस जंग के लिए सारे दिल्ली वाले तैयार हैं। एक बार जोरदार तालियां सारे दिल्ली वालों के लिए। और आपका यही हौसला है, यही जज्बा है। हमने जो कार फ्री डे किया, दो कार फ्री डे दिल्ली के अंदर, पीछे वाले साथी थोड़े शांत हो जाए, दो कार फ्री डे के दौरान 40-45% पॉल्यूशन लेवल कम हुआ दिल्ली में। हम क्यों लड़ रहे हैं? हमने जब सरकार बनाई थी, आप सब लोग जानते हैं, जंतर मंतर से लेकर के रामलीला मैदान तक हमने एक संकल्प लिया था, करप्शन फ्री दिल्ली और करप्शन फ्री देश बनाने का, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का हमने संकल्प लिया था। दिल्ली में हमने सरकार बनाई थी, ये करप्शन फ्री दिल्ली बनाएंगे। आज ये बात जरूर है कि दिल्ली के अंदर जब दिल्ली की सरकार दिल्ली के एक एक बेईमानों से जब जंग लड़ रही है, बहुत सारे देश में ऐसे आका हैं जो उन बेईमानों को बचाने के लिए इस सरकार को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे ऊपर छापे मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, दिल्ली की सरकार ने संकल्प लिया है, दिल्ली वालों के समर्थन से लिया है, दिल्ली वालों के सहयोग से लिया है, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, करप्शन फ्री दिल्ली बनाने के लिए हम सबको तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा, वो भी मंजूर है, लेकिन करप्शन से समझौता नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं मान हानि का मुकदमा कर देंगे और हम चुपचाप बैठ जाएंगे। अरे आप मान हानि का मुकदमा लेकर के दौड़ रहे हो और हम तो इस देश के लिए जान देने के लिए हाजिर हैं, आपके मान हानि के मुकदमे से क्या होने वाला? कोर्ट में लड़ोगे कोर्ट में लड़ेंगे, सड़क पर लड़ोगे सड़क पर लड़ेंगे, संसद में लड़ोगे संसद में लड़ेंगे, लेकिन इस देश के अंदर बेईमानों से आंख मिला करके लड़ेंगे, समझौता नहीं करेंगे। चाहे तुम जो करना चाहो कर लो, आज ये दिल्ली सरकार का संकल्प। लेकिन साथियों, भ्रष्टाचार को मिटाने की लड़ाई के साथ साथ आज पूरे दुनिया के अंदर इस बात की चर्चा हो रही है कि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन लेवल इतना बढ़ता जा रहा है कि आज इन बच्चों की सांस के अंदर जहरीली सांसें सांस के माध्यम से अंदर जा रही। यहां जो बड़े लोग हैं वो जब पैदा हुए थे और उनको उस समय इतनी जहरीली सांसें नहीं लेनी पड़ रही थी, इसलिए आज हम सस्टेन कर रहे हैं, आज हमें उतनी दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन हमारे फेफड़ों में आप जांच करा लो। अभी डॉक्टर त्रेहान ने दो तस्वीरें जारी की थी, एक हिमाचल प्रदेश की तस्वीर थी लंग की और एक दिल्ली वाले की तस्वीर थी। आप सबको पता है कि हम कितने खतरनाक जिंदगी से जी रहे हैं। हम खाना खाए बगैर रह सकते हैं, हम पानी पिए बगैर रह सकते हैं, बिना छत के भी हम रह सकते हैं, लेकिन कोई भी बच्चा बच्चा बिना सांस लिए नहीं रह सकता। और हर सांसों के साथ जिस तरह से जहरीली हवाएं हमारे बच्चों की जिंदगी में घुल रही है, इसलिए बच्चों की सांस को जो संकट है उसके बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने कार फ्री डे शुरू किया। इस कार फ्री डे की सफलता के आपके सहयोग के दम पर दिल्ली सरकार ने हौसला बनाया है कि अब हम आगे बढ़ेंगे और 1-15 तारीख तक, अभी जो हम कार फ्री डे करते हैं, किसी एक सड़क को लेते हैं, वहां पर कार को रोकते हैं और देखते हैं कि प्रदूषण लेवल कम हो गया। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि 1-15 तारीख तक हम आड इवेंट अपनाएंगे। आड इवेंट का मतलब क्या है कि 1 तारीख को 1 नंबर वाला लास्ट नंबर वाली गाड़ी चलेगी और 2 तारीख को 2 नंबर जिसका लास्ट होगा वो चलेगी, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 को
13579 नंबर वाली गाड़ी चलेगी और 0 2 3 2 4 6 8 10 को आठ नंबर की गाड़ी चलेगी। तो जिस दिन जिस तारीख को जो तारीख होगी उसी आखिरी नंबर की गाड़ी दिल्ली में चलाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये 81 नंबर की गाड़ियां चलेगी, आधी गाड़ियां अगर सड़क पर आती है, तो 15 दिन में हमें यकीन है कि दिल्ली के प्रदूषण को हमारे आने वाली पीढ़ियों के सांसों की सुरक्षा का काम कर पाएंगे। और 15 दिन के बाद हम लोग इस बात की समीक्षा करेंगे कि इस दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन के खिलाफ पॉल्यूशन फ्री दिल्ली बनाने के लिए इस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसलिए हमने संकल्प लिया है करप्शन फ्री दिल्ली बनाएंगे और पॉल्यूशन फ्री भी दिल्ली बनाएंगे। इसके लिए इस अभियान को आगे बढ़ाया है। एक बात जरूर चाहता हूं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं दिल्ली के अंदर आठ इवेंट का जो कैंपेन है, लोग गाड़ियां नहीं छोड़ेंगे, लोग नई गाड़ियां खरीद लेंगे। हमें पता चला है, कल एक चैनल पर स्ट्रिंग सामने आया था, दिल्ली के कई मार्केट के अंदर फर्जी जो है नेम प्लेट बनाने की प्रक्रिया चल रही है। आप सबको कहना चाहता हूं, आप सबके माध्यम से दिल्ली के अंदर सभी लोग सुन ले, जो भी ये फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं, इन सारे जगहों पर कल जो स्ट्रिंग आया है जिन जिन बाजार का, जिन जिन लोगों का, आज उनके खिलाफ 400 VC का मुकदमा दर्ज करने हम जा रहे हैं, उनके ऊपर पेनाल्टी भी लगाएंगे। और दिल्ली में कोई भी 400 VC करेगा उसके ऊपर दिल्ली सरकार सख्त कार्रवाई करेगी और 400 VC का मुकदमा दर्ज करेगी। ये धोखाधड़ी दिल्ली के अंदर हम नहीं चलने देंगे। लेकिन हमें इस बात का भरोसा है, धोखाधड़ी करने वाले बहुत सारे, लेकिन हमें दिल्ली वालों के दिल पर भरोसा है। दिल्ली वालों के दिल पर इसलिए भरोसा है कि दिल्ली वाले जानते हैं कि एक नेम प्लेट बदल करके जो अपनी गाड़ी चलाने की आप कोशिश कर रहे हो, आप अपने बेटे बेटियों के साथ, अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ आप गद्दारी कर रहे हो। और हमें भरोसा है कि दिल्ली वाले अपने बेटे बेटियों के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। इस भरोसे के साथ हम ये अभियान चला रहे हैं। 1 से 15 तारीख तक जो ऑड इवन नंबर का अभियान है, साथियों आप सबसे कहना चाहता हूं, सरकार भी प्रयास कर रही है, दिल्ली की पुलिस भी प्रयास कर रही है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट प्रयास कर रहा है, DTC प्रयास कर रहा है, ऑटो वाले प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से हमारे बच्चों की जिंदगी खतरे में है, उनकी जिंदगी को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए जब हम सब कुछ करने को तैयार हैं, तो 15 दिन हम थोड़ी तकलीफ और थोड़ी सी परेशानी को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। कितने लोग हैं जो इस परेशानी को बर्दाश्त करके अगली पीढ़ी की जान को बचाना चाहते हैं? आप सारे लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहता हूं कि जिन लोगों ने यह हौसला आप दिखा है कि हम इस लड़ाई के लिए तैयार हैं। और आप सबसे कहना चाहता हूं, 15 दिन में चौराहों पर पुलिस होगी, जगह जगह सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर होंगे, लेकिन आप सबसे भी कहना चाहता हूं, हमारे तमाम विधायक गण यहां बैठे हुए हैं, आप सबसे कहना चाहता हूं कि दिल्ली वालों के सांस पर जो संकट है उससे मुक्ति की लड़ाई हम सबकी लड़ाई है, दिल्ली वालों की जिंदगी को बचाने की लड़ाई हम सबकी लड़ाई है। आप सबसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने अपने कॉलोनियों में जाकर के बातचीत करें, अपने अपने RWA में जाकर के बातचीत करें, अपने अपने मोहल्ले में जाकर के बातचीत करें कि अगर आपके कॉलोनी से कोई 1 तारीख को 2 नंबर की गाड़ी निकाले तो मोहल्ले में उसके हाथ जोड़ लो, बोलो बच्चों की सांस पर खतरा है, बच्चों की खातिर 2 नंबर की गाड़ी लेकर के 1 तारीख को मत जाओ। और अगर 2 तारीख को 3 नंबर की गाड़ी लेकर के कोई निकलता है तो मोहल्ले में उसे हाथ जोड़ करके रोक दो, कॉलोनियों में उसे हाथ जोड़ करके रोक दो, अपार्टमेंट में हाथ जोड़ करके रोक दो, सड़क और चौराहे पर कोई दिख जाए उसे हाथ जोड़ करके रोक दो, क्योंकि ये जिंदगी को बचाने की लड़ाई है। और जब दिल्ली लड़ेगी मिल करके तभी हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। सरकार के भरोसे केवल लड़ाई नहीं जीती जा सकती, इसलिए समाज और सरकार मिलकर के इस अभियान को चलाएगा। और हमें यकीन है कि आज जो दिल्ली 15 दिन का अभियान पहला चरण का चलाने जा रहा है, इस आदिवेन अभियान को सफल बनाएगा और पूरे हिंदुस्तान के लिए एक उदाहरण बनकर के एक मार्गदर्शक का भी काम करेगा। इसलिए हम सबके ऊपर जिम्मेदारी है। साथियों, आदिवेन के लिए हम सब लोग तैयार रहेंगे, इसकी तैयारी करेंगे। पूरी जो रूपरेखा है, कई लोगों के मन में है कि अगर कोई बीमार होगा तो क्या होगा, अगर कोई फिजिकली चैलेंज है तो क्या होगा,
बाहर की गाड़ियां दिल्ली में आएगी तो उनका चेक होगा कि नहीं होगा, कारों का होगा या केवल केवल बाइसिकल का भी होगा, मोटरसाइकिल का भी होगा, कौन सा कानून लागू होगा, कितनी पेनाल्टी होगी, बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है। 24 तारीख को माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी सारी पूरी स्कीम को घोषणा 24 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे दिल्ली वालों के सामने ऑर्डर इमेंड नंबर स्कीम को लेकर के जो जो सिस्टम होगा हम सारी घोषणाएं 24 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। अभी हमारे बीच में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री बैठे हैं, इन्होंने भी एक फैसला किया है कि इस लड़ाई को बच्चों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि उनके सांस पर संकट है, अभी वो कार्य योजना बनाएंगे पूरे दिल्ली के अंदर बच्चों के साथ, पूरे दिल्ली वालों के साथ प्लेज लेने का, शपथ लेने का कार्यक्रम बनाए। डिटेल में माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं, ये दिल्ली हमारी है और दिल्ली वालों की जान भी हमारी है, जान को बचाने के लिए 1 से 15 तारीख तक ऑड इवन अपनाएंगे और प्रदूषण को भगाएंगे। इस अभियान को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगला कार फ्री डे 22 तारीख को होगा और ये सिलसिला चलेगा। अगला कार फ्री डे अभी हमने सेंट्रल दिल्ली में पहला किया, पश्चिमी दिल्ली में दूसरा किया, पूर्वी दिल्ली में तीसरा किया, चौथा कार फ्री डे उत्तरी दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास के इलाकों में हम लोग करेंगे और चौथा कार फ्री डे 22 जनवरी को उत्तरी दिल्ली में करेंगे। एक बार जोरदार तालियां और उस तैयारी के लिए आप सब लोगों को अभी से आमंत्रण, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी का, जोरदार तालियां साथियों पीछे से। भरोसा ये बढ़ गया है कि कार और साइकिल के बीच की लड़ाई नहीं है, ये साफ हवा और काली हवा के बीच की लड़ाई है और इसमें जीतना साफ हवा को है, क्योंकि काली हवा फैलाने वाले भी हम ही लोग हैं लेकिन साफ हवा चाहने वाले पूरी दिल्ली के लोग हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मैं अपनी बात रखूं, उससे पहले मुझे एक जरूरी अनाउंसमेंट करने के लिए कहा गया है। यहाँ कड़कड़ी मोड़ से लेके और ये लक्ष्मी नगर तक के बीच में आज इस रोड को कार फ्री रोड घोषित किया गया है, लेकिन ये बस फ्री रोड नहीं है, ये ऑटो फ्री रोड नहीं है, इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस पे चल रहा है। और मैं काफी देर से देख रहा था, मैंने पूछा कि बस क्यों नहीं जा रही है कोई, तो मुझे बताया गया कि पुलिस के साथियों ने शायद किसी कंफ्यूजन के तहत वहां से ट्रैफिक पूरा रोक दिया है। तो जो भी अधिकारी यहाँ हों और हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो अधिकारी यहाँ पे हैं वो भी थोड़ा सा इसको लाइनअप कर लें कि वहां से बस चलनी चाहिए। बस नहीं चलेगी तो कार फ्री डे का मतलब क्या हुआ, फिर तो ट्रैफिक फ्री डे हो गया। हम रोड ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, हमको बस ऑटो चलाने हैं ताकि लोग कार की जगह बस ऑटो में चल सकें। तो जिन लोगों ने भी ये निर्णय लिया है उनको मैं यहां से निर्देश देना चाहता हूं कि ये तुरंत बस को रूट खोल दें वहां से और ऑटो को आने जाने दें, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आने जाने दें, टैक्सी वगैरह चल रही है तो टैक्सी को आने जाने दें, सिर्फ कार फ्री डे मनाना है। कार फ्री डे का मतलब समझ लें जिन लोगों ने इसको रोका है, और ये आपके भी शहर के लिए, इसको फेल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपको लगता है कि थोड़ा सा पब्लिक को परेशान कर देंगे सरकार की बदनामी हो जाएगी, पब्लिक नाराज हो जाएगी, ये मत सोचिए। जनता का कार्यक्रम है, आपका भी कार्यक्रम है, आपके भी बच्चे पॉल्यूशन में घूम रहे होंगे, तो इसको अगर कहीं किसी के मन में थोड़ी खुराफात है और खुराफात के तहत इस कार्यक्रम को फेल करने की कोशिश के तहत वहां किसी ने इस तरह के डिक्टेट जारी कर रखे हैं, तो उनको थोड़ा सा मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों से भी कहूंगा कि वो भी देख लें इस बात को। दूसरी चीज मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से देख रहा था कि जमाना बदल रहा है। हम लोग पहले सोचते नहीं थे कि विधायक, मंत्री, स्पीकर, इतने सीनियर अधिकारी सब साइकिल से चलेंगे और साइकिल से चलने में शान महसूस करेंगे। पर साइकिल से चलने में शान महसूस करने के साथ साथ एक और चीज में शान महसूस कर रहे हैं। मैं पिछले 2 घंटे से देख रहा हूं हमारे कई सारे विधायक जनता के बीच में, लोगों के बीच में जाके बात कर रहे हैं, उनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, वहीं घूम रहे हैं। हमारे एक विधायक तो यहां थोड़ी देर मंच पे आए फिर मेरे कान में कह के चले गए, भाई साहब ये मंच पे मजा नहीं आ रहा, मैं तो वहीं जा रहा हूं। तो ये पहली बार हो रहा है कि
मंच छोटी चीज हो गई है, आम जनता बड़ी चीज हो गई है, वहां खड़ा होना बड़ी चीज हो गया है, आम जनता के बीच खड़ा होना बड़ा काम हो गया है। वैसे ही मैं देख रहा था हमारे आगे कुछ विधायक बैठे हुए थे, हम मंत्री लोग बैठे हुए थे, अचानक कुछ कार्यकर्ता भी आगे की लेन में बैठे हुए थे। तो सामान्यतः जब कोई परंपरागत राजनीति में मंत्री वगैरह आते हैं तो कार्यकर्ताओं को तो ऐसे हटा दिया जाता है, हटना भाई साइड हो, मंत्री जी आ रहे हैं। कार्यकर्ता भी बेचारा वैसे ही, वो दूर से मंत्री दिख जाए तो उसको लगता है मेरी तो गई कुर्सी, फिर विधायकों को हटाया जाता है, चलो जी मंत्री जी आ रहे हैं थोड़ा विधायक जी पीछे बैठ जाओ। लेकिन हमारे एक मंत्री जी आए, कपिल मिश्रा जी, यहां पे आगे की लाइन में कुर्सियां नहीं थी, वो जाके पीछे बैठ गए। गोपाल भाई ने किसी को कहा कि यार इधर बिठा दो, तो मंत्री जी ने पीछे से बैठ दिया, गोपाल भाई आगे पीछे का चक्कर नहीं है, अभी आम आदमी है सब। तो ऐसे विधायक नितिन त्यागी जी जो अभी नीचे जाए गए जनता के बीच में, मुझे यहाँ कान में कह के चले गए सर मंच पे बिल्कुल मजा नहीं आता, आजकल वही मजा आता है लोगों के बीच में। और ऐसे मंत्री जो अब आगे की लाइन में नहीं पीछे की लाइन में बैठने में भी कोई दिक्कत नहीं महसूस करते, ऐसे मंत्रियों को और ऐसे विधायकों को आपने चुन के भेजा है, इसलिए ये पॉल्यूशन के खिलाफ लड़ाई तो जीतनी जीतनी है। ऐसे लोग अगर आपके बीच में है लीड करने के लिए तो पॉल्यूशन के खिलाफ लड़ाई में कोई हरा नहीं सकता, ये मेरा भरोसा बड़ा है। मैं पिछले कारफ्री डे पे भी बोल रहा था कि हम छोटे छोटे थे, और आप बच्चे देखते होंगे, हम सब भी देखते हैं, कार खरीदना घर में बहुत बड़ी बात मानी जाती है। जिसके घर में कार ना हो उसको लगता है बस घर में कार हो जाए तो बड़े आदमी हो जाएंगे, पर इस कारफ्री डे के माध्यम से गोपाल भाई ने बड़े आदमी होने की परिभाषा बदल दी है। अब दूर नहीं है वक्त जब लोग कहा करेंगे भाई साहब वैसे तो लगते तो बड़े आदमी हो लेकिन कमाल है आपके घर में साइकिल नहीं है, तनख्वाह वनख्वाह तो अच्छी लगती है, कमाई वमाई ठीक ठाक चल, जिसके घर में लोग साइकिल ना हो लोग पूछने लगे क्या भाई साहब घाटा वाटा तो नहीं हो गया, व्यापार व्यापार ठीक चल रहा है, नौकरी वोकरी ठीक चल रही है, या कुछ शारीरिक मानसिक परेशानी तो नहीं है। वो दिन आने वाला है, उस दिन का हम सब इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन घर में साइकिल होना मान सम्मान की बात हो, क्योंकि जिसके घर में साइकिल ना हो पड़ोसी लोग उसको हिकारत से देखा करें कि यह आदमी मेरे बच्चों की आबो हवा में हवा प्रदूषण फैला रहा है, क्योंकि साइकिल होगी तो दिखाने के लिए होगी, थोड़ी थोड़ी होगी चलाने के लिए भी होगी, जितना आदमी साइकिल चलाएगा उतना पॉल्यूशन में कम लगेगा, अगर मार्केट जाने तक के लिए साइकिल चला ले, दफ्तर जाने के लिए नहीं, तो अगर वैसे ही घूमने के लिए साइकिल चला ले, जिम जाने के लिए नहीं, आजकल तो लोग जिम भी जाते हैं तो कार से जाते हैं, फिर वहां जाके थोकनी चलाते हैं, पहले पॉल्यूशन फैलाते हुए जाएंगे उसके बाद में आप सेहत ठीक करेंगे, सबकी सेहत खराब करते जाते हैं, उसकी जगह साइकिल ही चला ले। तो साइकिल रखना साइकिल चलाना सम्मान का विषय बनाना है, इस कारफ्री डे की सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे ये लग रही है, क्योंकि बड़ी मेहनत करते हैं लोग एक गाड़ी आ जाए, बड़ी मेहनत करते हैं, हमारी राजनीति में बहुत मेहनत करते हैं साहब किसी तरह सरकारी गाड़ी मिल जाए, वो सरकारी गाड़ी भी छोड़ दी, कंपनी वाली भी छोड़ दी, बोले साइकिल से चलो, तो ये बहुत बड़ी बात है। और बच्चों ये सब आपके हाथ में है, अगर आप लोग घर में जाके अपने अपने मम्मी पापा से आज ये पूछ लें कि आप बताओ आपने दिल्ली का पॉल्यूशन कम करने के लिए क्या किया, पूछने की जरूरत है कि नहीं है, और सिर्फ मम्मी पापा से नहीं टीचर से भी है, अपने अपने टीचर्स से पूछ लो, प्रिंसिपल से पूछ लो, अपने भाइयों से पूछ लो, बड़ों से, अपने मम्मी पापा से पूछ लो कि आप बताओ पॉल्यूशन कम करने के लिए आपने क्या किया। बेटा आदमी सारी दुनिया से झूठ बोल सकता है, भगवान से झूठ बोल सकता है, पर बच्चों से झूठ बोलने में सबकी नानी याद आ जाती है, बच्चों की आंखें में आंखें डाल के कोई झूठ नहीं बोल सकता, तो इसलिए आपके ऊपर जिम्मेदारी है। इसीलिए जब आप आए तो मुझे लगा बहुत बड़ी उम्मीद आई कि अपने अपने घर में अपने मम्मी पापा से जरूर पूछना जाके कि पॉल्यूशन कम करने के लिए आप क्या कर रहे हो। पॉल्यूशन है ये पता है, बहुत ट्रैफिक है ये पता है, पर उसको कम करने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप उसको बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, पूछोगे, पूछना जरूर, और फिर टीचर को बताना अपने, और मैं टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा फिर हमें बताना क्या बोला। ये इससे तय होता है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, अगर हम अपने बच्चों को
कार बड़ी चीज है ये सिखा रहे हैं, तो कल का हिंदुस्तान कार को बड़ी चीज मानेगा। और अगर आज हम अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि साइकिल बड़ी चीज है, इससे पॉल्यूशन रुकता है, तो ये कल का हिंदुस्तान ऐसा होगा जो साइकिल को प्यार करेगा। तो मैं टीचर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्लासरूम के माध्यम से वो संदेश, आपके ऊपर भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है जितनी हमारे ऊपर है, कि ये संदेश जरूर भेजें। ये बहुत बड़ा दिन है। पिछली बार गोपाल भाई ने जब अनाउंस किया था कि लक्ष्मी नगर पटपड़गंज पूर्वी दिल्ली में करेंगे और वर्किंग डे होगा, पॉपुलेशन के हिसाब से दिल्ली का सबसे व्यस्त इलाका ये माना जाता है पूर्वी दिल्ली का, इसमें वर्किंग डे पर एक विकास मार्ग जैसी सड़क को कार फ्री करने का जो सपना गोपाल भाई ने उस दिन देखा, उसको आप सब लोगों ने सफल बनाया। एनसीसी के छात्रों ने, आपने, एनएसएस के छात्रों ने आके, हमारे अधिकारियों ने, हमारे तमाम जितने समाजसेवी साथी, एक्टिविस्ट साथी आए हुए हैं, विधायक साथी आए हुए हैं, सब ने मिलकर सफल बनाया। इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को बधाई। एक आखिरी चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक तो ये जो कर ना पूछा क्या है पूछो ऐप, इसको थोड़ा बीच में कर दो इधर, ये नंबर नोट कर लो, ये डाउन, इस पे मिस कॉल करने से लिंक आ जाता है ना गोपाल भाई, हेल्पलाइन में क्या बताया जाएगा कैसे डाउनलोड होता है। नहीं, आजकल तो टेक्नोलॉजी हो गई है कि मिस कॉल डायल करो, इस पे मिस कॉल करो, आपको लिंक आ जाएगा। हाँ, वो भी कर लेंगे। ये जो पूछो ऐप है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किस लिए? क्योंकि अभी आप यहां से जाओगे, आपको पता नहीं ऑटो कहां मिलेगा, टैक्सी कहां मिलेगी, यहां चाहिए आपको, तो आप अपने मोबाइल पे अगर ये ऐप डाउनलोड कर लोगे, तो आपके आसपास के इलाके में अगर सर्विस नंबर है, आप उस पे हाँ जी फलानी टैक्सी सर्विस, टैक्सी से भेज, वो नहीं है, ये बहुत बढ़िया चीज है, उससे हजार गुना आगे की चीज है। आप अपने मोबाइल पे इस ऐप को डाउनलोड कर लें और इसको जब ऑन करेंगे और आपकी लोकेशन अपने आप ले लेगा, ये चलो जी प्रीत विहार में वीएसके के पास में आप खड़े हैं, तो ये आपके एक दो किलोमीटर के आसपास जो खाली टैक्सी खाली ऑटो होगा उसकी लिस्ट आपको दे देगा, उसका पूरा लोकेशन बता देगा, उसके जरिए आप फोन करके, उसका ड्राइवर का फोन नंबर भी होगा, ये किसी टैक्सी सर्विस का फोन नंबर नहीं होगा, ये ड्राइवर का फोन नंबर होगा। मान लो एक आदमी विकास मार्ग से ऑटो लेके खाली जा रहा है, आपको तुरंत उसका नंबर भी पता चल जाएगा और उसकी लोकेशन भी पता चल जाएगी, और उसको फोन करके आप कह सकते हो भैया वीएसके पे खड़ा हूं, आके ले जाना। है काम की चीज है कि नहीं है? बहुत काम की चीज है। तो ये आज लॉन्च किया है गोपाल भाई ने। जब आप ऑडिविन डे पे चलेंगे, बच्चे ऑडिविन डे के बारे में पता आपको क्या है? बताओ कौन, बताओ ऑडिविन स्कीम, बताओ, एक बच्चे ने हाथ उठाया, बताओ। जो टू से डिवाइड हो सकते हैं उसे इवन ऑड नंबर्स कहते हैं, और इवन नंबर्स जो टू से डिवाइड हो सकते हैं उसे इवन नंबर्स कहते हैं। बहुत बढ़िया। ये पीछे बड़े बड़े बच्चों को पता है, शायद बड़ों को पता नहीं होगा इतना, इसलिए मैंने पूछा बच्चों से। हाँ, आपको पता है? कुछ और पता है? क्या कहना चाहते हो इससे अलग, कुछ कहना चाहते हो? ऑड इवन कार वाले की स्कीम की पता है? एक जनवरी से 15 जनवरी तक चलेगा, किसी को पता है ऑड इवन वाला? पता है? क्या पता है बताओ, आपको पता है? आप इसको गुड़िया को लाओ, आपको स्कीम के बारे में पता है? अरे वाह, क्या है बताओ। जनवरी को जिस कार का नंबर लास्ट होगा वो ही चलेगी, सेकंड को जिसका लास्ट नंबर 2 होगा वो ही चलेगी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन अच्छा है। 1 जनवरी को वो गाड़ियां चलेंगी जिनका लास्ट नंबर ऑड होगा। 3 वाली गाड़ी कब चलेगी? और 1 जनवरी को नहीं चलेगी? 1 जनवरी को भी चलेगी। 5 वाली कब चलेगी? 1 जनवरी को। ऐसे ही मेहनत करनी पड़ेगी पूरे देश को, दिल्ली के साथ। ये सिर्फ क्लासरूम के साथ मेहनत नहीं है, मुझे पता है बड़ों के साथ ज्यादा करनी है, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी। हमें अगले 10 दिन गोपाल भाई इसी तरह से मेहनत कर, और ये जितने कार्यकर्ता साथी खड़े हैं ना, इनको आप सबको समझाना है, हमारे ऑफिसर्स भी खड़े हुए हैं, आप सबकी जिम्मेदारी है समझाना है जनता को। और आप ये मान लो कि बच्चों को समझाना आसान है, बड़ों को समझाना थोड़ा कठिन पड़ेगा, तो इससे ज्यादा कठिन काम आपके हिस्से है अगले 7-8 दिन में। सबको समझाना है 1 तारीख से 15 तारीख तक ऑड इवन नंबर वाली गाड़ियां एक एक दिन करके चलेंगी,
और अगर ऑड इवन वाली गाड़ियों को में से एक दिन में आधी गाड़ियां रुक गई तो दिल्ली का आधा पॉल्यूशन तो वैसे ही कम हो जाएगा। और ये दुनिया के कई शहरों में लोगों ने खूब कोशिश करी है, और जहां जहां कोशिश करी है वहां वहां थोड़े लोग नाराज भी होते हैं, थोड़े लोग हल्की फुल्की परेशानी भी उठानी पड़ती है, लेकिन पॉल्यूशन जैसी बड़ी परेशानी से निपटने के लिए अगर 15 दिन में से 6 दिन थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़े तो क्या दिक्कत है। नहीं, ट्रांसपोर्ट ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, मेट्रो के फेरे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, नई बसें और आ जाएं सड़क पे ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूं कि 15 दिन के 10 दिन अब 8 दिन में आने वाले 8 दिन में दिल्ली का ट्रांसपोर्ट ऐसा हो जाएगा कि सारे लोग भी बस में चलने लगेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा नहीं होने वाला, मैं पहले बता देता हूं। थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन जहर खाने से अच्छा है थोड़ी सी कड़वी दवा खा ली जाए। जहर पॉल्यूशन है कि नहीं, क्या बेटा? जहर खा के मरने से अच्छा है, जहर खा रहे ना हम लोग सांस में, नहीं जहर खा रहे हैं हम लोग सांस में, सांस ले जहर ले रहे हैं। जहर खा के मरने से अच्छा है कड़वी दवा खा के ठीक हो लिया जाए, बात ठीक है कि नहीं? अब कड़वी दवा पे लोग कहने लगे नहीं जी कड़वी है हम तो नहीं खाएंगे, तो फिर तो जहर जिंदगी है, फिर तो जहर ही अंजाम है। तो जो लोग अभी इस बात पे अड़े हुए हैं कि नहीं जी हमें कड़वी गोली नहीं खानी है, उनको थोड़ा आसपास के लोगों को समझाना पड़ेगा कि भैया तुम अपने लिए मत खाओ, कम से कम इन बच्चों के लिए तो खा लो, इन बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हो? आप सिर्फ अपने लिए जहर नहीं खा रहे हो, पूरे देश की आबोहवा में जहर घोल रहे हो। पाप का सुबह सुबह अगरबत्ती जलाएंगे, भगवान को कहेंगे भगवान आज सद्बुद्धि देना, आज सब ठीक कर देना, और उसके बाद कार स्टार्ट करके सारा पॉल्यूशन फैलाएंगे, बच्चों की जिंदगी में नरक घोलेंगे, सबकी जिंदगी में नरक घोलेंगे, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? तो मेरा सबसे निवेदन है कि इस 6 दिन को ये ना माने कि उस दिन सुविधाएं होंगी कि नहीं होंगी। 15 दिन में से 2 संडे आ गए, 13 दिन, जिसके पास ऑड गाड़ी है या इवन गाड़ी है उसको 6 दिन थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। और कारपूलिंग कर लो, पड़ोसी से दोस्ती कर लो, इस बहाने पड़ोसी का भी संबंध ठीक हो जाएगा, जिसके पड़ोसी से झगड़े हैं ठीक, और पड़ोसी की भी जरूरत है, ऐसा ही थोड़ी है मेरी जरूरत है, मेरे पड़ोसी की भी जरूरत है, पड़ोसियों में से 10 पड़ोसियों में से कोई तो होगा जिससे रिश्ते ठीक हो सकते हैं, तो वो ठीक कर लो। लेकिन ये बहुत जरूरी है, अब जहर में घुट घुट के मरने से अच्छा है थोड़ी सी कड़वी दवा खा के ठीक हो लिया जाए। 6 दिन कड़वी खानी पड़ेगी, और 6 दिन में ऐसा कोई आसमान नहीं टूटने वाला है, लेकिन 15 दिन तक अगर दिल्ली में गाड़ियों की संख्या, सड़क पे उतरने वाली गाड़ियों की संख्या आधी हो गई, और जो बस जो बाइक पहले 1 घंटे में पहुंचती थी वो आधा घंटे में पहुंचने लगी, तो पॉल्यूशन अपने आप कम हो गया। और एक बार पॉल्यूशन कम हो गया और साफ आबोहवा का मजा हमने चख लिया, फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो आराम से, फिर तो जल्दी जल्दी लोग कहा करेंगे और कब कर रहे हो, फिर दोबारा कब कर रहे हो? तो ये बहुत जरूरी है, इसको समझाना बहुत जरूरी है लोगों को। कुछ लोगों ने ये माहौल बना रखा है ऐसे कैसे होगा, क्या होगा, बिल्कुल ठीक बात है भैया। जो लोग ये पूछे उनसे पूछो ये जो हवा चारों तरफ काली हो रही है इसमें कितने दिन और जी सकते हो, ये मत समझाओ कैसे होगा, हो सकता है थोड़ी सी परेशानी होगी, हो सकता है किसी दिन 1 घंटा इंतजार करना पड़े, पर जिंदगी के 50 साल में से 25 साल घुट घुट के कम कर देने से अच्छा है कि 1 घंटा सड़क पर खड़े होकर इंतजार कर लेंगे। ये हमने ही फैलाया, ये कोई पड़ोसी मुल्क के लोग नहीं फैला गए आके, ये कोई अमेरिका और यूरोप से नहीं उठा के ले आए हम, ये हमने ही फैलाया है। और जब हमने फैलाया है तो इसका इलाज भी हमको करना पड़ेगा। तो इसके लिए कार फ्री डे, इसके लिए ऑड इवन, इसके लिए पत्ती जलाने वालों को सजा, इसके लिए धूल उड़ाने वालों को सजा, इसके लिए खुले में मकान के जरिए पॉल्यूशन फैलाने वालों को सजा, ये सारी चीजें सरकार कर रही है और आपके साथ मिलकर कर रही है। तो इसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। तो मैं आप लोगों को आज के इस कार्फ्री डे को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और साथ में एक बार गोपाल राय जी के लिए तालियां बजाइए जिनकी जिद के आगे ये कार्फ्री डे सफल हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल राय, बहुत बहुत धन्यवाद।